सो हाय गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक्चुअली आज मेरा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो ये मेरा एक्चुअली आज मेरा जिक्सर का एक्चुअली मैंने सर्विस किया। गाड़ी लेने के बाद यही मेरा एक्चुअली मेरा पहला मेजर सर्विस है। तो ऑलमोस्ट 5700 के आसपास खर्चा आया, मतलब 5680 रुपीज़ एक्चुअली आया है। तो या मतलब मेरा गाड़ी अभी हो गया ऑलमोस्ट 5.5 साल। तो 5.5 साल में यही मेरा अभी तक के लिए पहला मेजर सर्विस हुआ। इससे पहले जितना बार भी मैंने सर्विस किया वो 1000 से 2000 के बीच में आया था, उससे ज़्यादा नहीं। बट इस बार में एक्चुअली बहुत ज़्यादा आ गया। सो मैंने मतलब कुछ चीज़ें चेंज किया। वो है एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज पॉकेट। मेरा अभी गाड़ी चल चुकी है 31,168 किलोमीटर। तो 31,100 के बाद मैंने चेंज किया हूँ। तो मतलब 30,000 के बाद ही मतलब गाड़ी का चेन में इशू आ रहा था, तो उसके बाद भी मैंने 1000 किलोमीटर चला लिया उसमें। और लॉक सेट भी मैंने चेंज किया इस सर्विस पे, क्योंकि लॉक सेट का भी दिक्कत आ रहा था बहुत दिन से, मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से लॉक सेट का दिक्कत आ रहा था। बट वो WD-40 दे के चल रहा था काम, बट अभी तो एकदम ही मतलब चल गया। तो और भी एक काम किया था, वो चोक केबल भी मैंने चेंज किया हूँ, क्योंकि मतलब ये गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रहा था, चोक केबल और मतलब ख़राब हो चुका था। तो इससे 2 दिन पहले मैंने गाड़ी को लेकर कलकत्ता किया था, तो उस टाइम पे इतना स्टार्टिंग ट्रैवल दे रहा था ना गाड़ी, मतलब स्टार्ट कर रहा था एक सिग्नल के बाद दूसरे सिग्नल पे जाके बंद हो जाता था। तो इसके लिए भी चोक जो है मतलब चोक का जो वायर वो भी चेंज किया। और नॉर्मल जो सर्विस होता है और ये चेन स्प्रॉकेट का, एंड ऑल्सो इधर जो एक मतलब रबर होता है, ये चेन स्प्रॉकेट के साइड पे रबर होता है, वो रबर चेंज किया। एंड बियरिंग भी चेंज किया फ्रंट, मतलब फ्रंट व्हील का एंड रियर व्हील का भी। वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड अग्नि वो सजेस्ट किया था तो बियरिंग चेंज करने के लिए, तो वो भी बियरिंग मैंने चेंज कर दिया। तो गाड़ी अभी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ओके है। अभी मैं सोच रहा हूँ ये लाइट अभी मतलब चेंज करूँ, कुछ दिन बाद ये लाइट भी मैं चेंज कर लूँगा, मतलब वो जो ऑक्सिलरी लाइट है, क्योंकि ये मैंने इसका भी ऑलमोस्ट उम्र 4 साल के ऊपर हो गया, तो लाइट थोड़ा सा ईयरिश हो गया और ब्राइटनेस भी उतना ज़्यादा नहीं है अभी, तो इसके लिए भी वो भी मैंने चेंज करूँगा। तो यही है एक छोटा सा अपडेट, मतलब 30,000 के बाद मैंने चेन पॉकेट चेंज किया। और लॉक सेट का एक्चुअली गाड़ी लेने का 1-1.5 साल के बाद ही आया था एक्चुअली इशू। उस टाइम पे एक्चुअली वारंटी में भी ये आ जाता, मतलब चेंज हो जाता, लेकिन मैंने वो सर्विस उस टाइम पे उतना किया नहीं था टाइम से, तो उसके लिए हुआ नहीं। तो अभी मैंने फाइनली लॉक सेट भी चेंज कर लिया। तो और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली, मेरा जो बिल है वो एक बार दिखा देता हूँ कितना। वो जो फ्रंट एंड रियर बियरिंग एंड ऑल्सो चेन स्प्रॉकेट का एक बियरिंग होता है, तो 3 बियरिंग चेंज है, बोल्ट स्प्रॉकेट, ड्राइव चेन किट, लॉक सेट, ब्रेक शू। हालांकि ये ब्रेक शू मेरा स्कूटी के लिए है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग, स्विच, एसी केबल, तो ऑल आइस इधर है। ये मतलब इसमें टैग इंक्लूडेड नहीं है, इधर टैग करके टोटल आया 5681। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट बिल, यही और एक चीज़ था जो मैंने मतलब बिल भी मैंने दिखा दिया इस वीडियो पे। तो यही एक्चुअली मतलब यही बोला, मतलब 5.5 साल में यही मेरा एक्चुअली पहला मिरर सर्विस है जिसमें 5000+ बिल आया। सो इससे पहले कभी भी नहीं आया था, दो क्या होता है। चलो टाटा, एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ। आज मैंने सर्विस सेंटर गया था मैंने 10:15 पे, और मेरा गाड़ी मुझको वो लोग रिलीज करके दिया 4:30। पूरा मतलब मैंने एक्चुअली मेरा जो आरसी लेने के बाद मैंने भी एक सर्विस किया था, ऐसे ही उतना टाइम लगा था। 9 बजे मैंने KTM शोरूम रुका था और वो लोग गाड़ी दिया था मुझको 5:30। तो मुझको ऐसा ही फील हुआ, मतलब मेजर सर्विस होगा तो मतलब एक दिन पूरा आपको मतलब लेके ही चलना पड़ेगा। तो अभी तो बज रहा है, देखिए 17:16, मतलब 5:16। तो मतलब आने के टाइम मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया। तो ये एक और एक अपडेट देना था, तो दैट्स इट, ओके।